हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति साहू। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद प्रीति साहू में। आज कुक विद प्रीति साहू में बनाने वाले हैं सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला ये ब्रेकफास्ट, जो बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस नाश्ते को हम दो तरीके से बनाएंगे, जिसके दोनों ही तरीके बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। इसको हमने लहसुन और बटर से बनाया है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने किस तरीके से बनाया है। इसके लिए हमने छिली हुई लहसुन ले ली है, 8 से 10 कली हमें यहाँ पे लहसुन की लेनी है। और इनको हमें बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से आप इनको किस लीजिएगा सब कलियों को। और यदि आप इस तरीके से नहीं किसना चाहते हैं तो आप चौकर से भी इसको चौक कर सकते हैं, जो रस्सी वाला चौकर आता है तो उसमें डाल के भी आप इसको इस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। तो इनको पूरा ग्रेट कर लेने के बाद हम एक बाउल लेंगे, उसमें हमें 3 चम्मच बटर लेना है। यहाँ पे आप ज़रूरी पॉइंट है कि आप बटर रूम टेम्परेचर का ही लें, इसमें फ्रिज में से तुरंत निकाल के बटर यूज़ नहीं करना है। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर का बटर होना चाहिए, तो ये आप ज़रूरी पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने जो अभी लहसुन की कलियों को किसा था वो डाल देंगे। यहाँ पे हम 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और यहाँ पे हम 1/2 चम्मच ऑर्गेनो डाल देंगे। इसके बाद हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। इनको अच्छे से मिलाना है और इसके हमें गार्लिक बटर तैयार हो जाएगा। आज हम अपने ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड, जो बनाने में बहुत आसान होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ये गार्लिक से बने होते हैं तो ये हेल्दी भी बहुत है, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा गार्लिक बटर तैयार हो गया है। उसको हम ब्रेड के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे, चारों तरफ पूरे अच्छे से इसमें फैला देंगे। इसमें ज़रूरी पॉइंट है कि आप इस वाले नाश्ते में ब्रेड बड़े वाले और मोटे वाले यूज़ करें, पतले और छोटे ब्रेड यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें जलने का डर रहता है ब्रेड। या फिर आप इसकी जगह पाव का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूसरी स्लाइस ली है, उसमें मैंने मेज़ोरेला चीज़ को डाला है। इस तरीके से मेज़ोरेला चीज़ को बीच में रखा है। इसके ऊपर जो हमने अभी ब्रेड पे बटर लगाया था, गार्लिक बटर, उसको रख देंगे। तवा गरम करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर और जिस तरह हमने बटर लगाया है उस साइड से इस तवे के ऊपर रख देंगे। अब दूसरी ऊपर की जो स्लाइस है उसके ऊपर भी हम गार्लिक बटर स्प्रेड कर देंगे, चारों तरफ पूरे तरीके से फैला देंगे पूरे ब्रेड के ऊपर, जिससे हमारा ये ब्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अच्छे से आप ब्रेड के ऊपर बटर को फैलाएं, जितने अच्छे से आप बटर को फैलाएंगे हमारा ये बटर टोस्ट उतना ही क्रिस्पी ऊपर से बन के तैयार होगा। तो ये भी ज़रूरी पॉइंट है कि आप चारों तरफ अच्छे से फैला दें। इसके बाद आप इसको सिकने दें बिल्कुल लो फ्लेम पर, हमें बिल्कुल भी मीडियम या हाई फ्लेम नहीं करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इस हम ब्रेड को हमें सिकने देना है। ये हम तवा पे बना रहे हैं, आप चाहे तो इसको ओवन पे भी बना सकते हैं। ओवन पे ये 3 से 4 मिनट में ही ये टोस्ट होके तैयार हो जाता है, तो आप इसको ओवन में रख दीजिए। तो ये ओवन पे बनाना तो बहुत इजी होता है, उस पर आप रख दीजिए और ये टोस्ट बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से तवे पर हम इसको दोनों साइड से इस तरीके से हम सेकेंगे और दोनों साइड से ये बटर में से क्रिस्पी हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंदर भी मेज़ोरेला चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर मेज़ोरेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं या कम मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों ही साइड से कितना अच्छा ये क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। हमारा गार्लिक ब्रेड तैयार हो गया है। इसको मैं कट करके दिखाती हूँ, इतना ऊपर से इतना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी ये गार्लिक बटर बन के तैयार हुआ है। आप इसको मेयोनीज के साथ सर्व कीजिए। देखिए, यदि आपने अंदर से भी बहुत अच्छा सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम दूसरा वर्जन देख लेते हैं। इसके ऊपर भी हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर हम बटर यूज़ करेंगे, जो गार्लिक बटर हमने बना के तैयार किया है। और इसके लिए भी आप मोटे वाले ही ब्रेड दीजिएगा, बड़े इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप पाव ले सकते हैं, उसमें बना लीजिए। इसके ऊपर हम मेज़ोरेला चीज़ को स्प्रेड करेंगे, चारों तरफ अच्छे से डाल देंगे और हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इस ब्रेड को रख देंगे।
और इसको हम कवर कर देंगे ऊपर से, इस तरीके से ढक्कन से ढक देना है और 2 से 3 मिनट के लिए ही वेट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं करना है। आप इसको ढक्कन हटा के देख लीजिए, हमारी मेज़ोरेला चीज़ मेल्ट हो गई है। तो इसके बाद आप ढक्कन हटा दीजिए, बस इतनी ही देर हमें इसको सेकना है, बस हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए बस। आप देख सकते हैं तवा से हटाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं जला है, आप देख सकते हैं तवा पर, और बहुत ही अच्छा ये क्रिस्पी टोस्ट बनके तैयार होता है। यदि आपको तवा पे लग रहा है कि जल रहा है तो आप इसमें थोड़े से पानी की छींटे दे सकते हैं, तो आपका ये टोस्ट बिल्कुल भी नीचे से जलेगा नहीं। इस तरीके से आप दोनों ही तरीके से जो आपको पसंद आए आप बना के तैयार कीजिएगा। अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो को जल्दी से जल्द वॉच कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।